चलो दोस्तों, आप देख सकते हैं बाबा जान के आस्थाने पे ये संदल पेश करने। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग गुलाब शाह बाबा की दरगाह पर आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा पानी बाढ़ कर। माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लंगरे आम चल रहा है, काफी हजारों के साथ सुबह से चाय का लंगर बाबा जान के आस्थाने पे बढ़ रही है। 20 से 30 फुट उसको उठा के फेंक दिए बाबा जान ने। अस्सलाम वालेकुम बंदे नवाज, शहनवाज नए ब्लॉग को लेकर फिर से आपके खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज 26 जनवरी है, तो आप तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को 26 जनवरी का हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हजरत सैयद गुलाब शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक है, और दरगाह शरीफ भी साल में एक बार खुलता है। तो बाबा जान का आप पीछे देख सकते हैं चरसन कंपनी है जो बाबा जान का आस्थान मुबारक अंदर है। तो आपको मैं बाबा जान का ज्यारत कराऊंगा, और जो भी जानकारी हिस्ट्री हमें मालूम पड़ेगी वो सारा आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखें। तो माशाल्लाह दोस्तों, ये रोड जे की ओर जाता है, ये जे ब्रिज है, और यहाँ से ये जो रास्ता गया है, ये रास्ता आप भाई कल्ला की तरफ से आएंगे तो ये रास्ता आएगा, और बाबा जान का आस्थान मुबारक यहाँ पे है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फूल चादर वगैरह यहाँ पे लगी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मीरा दाता के भाई भी यहाँ पे मिल गए हैं। मीरा दाता के भाई भी मिल गए हैं, तो सैयद अली मीरा दाता के भाई भी यहाँ पे फूल माला लगाए हुए हैं। तो यहाँ से कुछ लेंगे। चलो दोस्तों, आप देख सकते हैं बाबा जान के आस्थाने पे ये संदल पेश करने वाले हैं। तो ये संदल है सो बाबा जान के आस्थाने पे जाने वाला है, माशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किन्नर समाज के लोग भी बाबा जान के आस्थाने पे संदल पेश करने के लिए जा रहे हैं। माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हैं ये संदल जो आप सामने आप देख रहे हैं, ये वाड़ी बंदर से आया है हजरत गुलाब शाह बाबा के आस्थाने मुबारक पे जाने के लिए। माशाल्लाह दोस्तों, मैं दरगाह शरीफ के अंदर पहुंच गया हूं। तो ये बहुत बड़ा एक कंपनी था, जो कि ये कंपनी बंद हो गया है, और बाबा जान का आस्थान मुबारक आ गया है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अंदर का माहौल कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बाबा जान के आस्थाने पे ज्यारत करने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और जैसे जैसे मतलब दिन ढल रहा है वैसे वैसे लोगों का हुजूम बढ़ती चली जा रही है। तो आपको मैं सारा वीडियो एक्सप्लोर करूंगा, तो इससे पहले मैं आपको लेके चलता हूं, बाबा जान का ज्यारत कराता हूँ, और उसके बाद फिर और जो भी कुछ हमें दिखाने को मिलेगा वो सारा मैं आपको दिखाऊँगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सुबह से न्याज बट रही है। वो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हैं बाबा जान के ज्यारत के लिए यहाँ पे लाइन लगी है, तो काफ़ी लंबी लाइन लगी है। ये आप यहाँ से पीछे भी देख सकते हैं, आपको नज़दीक से मैं लेके चलता हूँ और बाबा जान का ज्यारत कराता हूँ। इधर से आप देख सकते हैं जायरीन ज्यारत करके बाहर की ओर निकल रहे हैं। चलो दोस्तों, जियारत हो गई है, और यहाँ पे देखिए हमारे भाई साहब, हमारे सब्सक्राइबर मिल गए, जो आइए गुलाब शाह बाबा पे साल में एक बार खुलती है 26 जनवरी में गुलाब शाह बाबा जियारत करने के लिए। हाँ, जियारत क्या, बहुत शुक्रिया, देखे थे ना वीडियो। चलो अल्लाह हाफिज। तो माशाल्लाह दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर मिले थे, तो उनसे बात होगी, और बाबा जान का ज्यारत हो चुकी है, तो अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, और जो भी जानकारी हमें मिलेगी वो सारा मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। माशाल्लाह दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं बाबा जान के आस्थाने के पास ये सो चाय का लंगर, लगभग सुबह से चाय का लंगर बाबा जान के आस्थाने पर बढ़ रही है। माशाल्लाह दोस्तों, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुबह से न्याज बट रही है।
तो माशाल्लाह दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे हजरत गुलाब शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के करीब पानी बांट रहे हैं। तो इनसे जानकारी चाहते हैं कि बाबा जान के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाकिर अली है। हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पर यही पानी बांटने के लिए। अल्लाह का खैर है और गुलाब शाह बाबा की सरकार की दुआ है कि हर साल हम लोग आते हैं पूरे फैमिलियों के साथ। और हमारे अजीज भाई है, वो अजीज भाई है और शाकिर भाई थे वो चले गए, खास शाकिर भाई थे वो चले गए जो मेन थे, बाकी उनके बाद हम लोग खड़े हुए यहाँ पर। इंशाल्लाह इतनी पब्लिक आती है, हर साल हम लोग खुश हो जाते हैं देखकर पब्लिक को। जरा इनसे भी बात कीजिए, बोलो। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग गुलाब शाह बाबा की दरगाह पर आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा पानी बांट कर। बहुत से बच्चे आ रहे हैं हम लोग के पास, हम सवाब बहुत ले रहे हैं सब लोग से। मेरा नाम अनम अशफाक है। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग 14-15 साल से पानी बांटने का काम कर रहे हैं गुलाब साहब बाबा के वहाँ। बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह करे हम लोग हमेशा आए। बाबा की दुआ है, आप लोग आओ पानी पियो और गुलाब साहब बाबा की जियारत करो और दुआ करो हम लोग के लिए। आने वाले जाने इंशाल्लाह खैरियत से आए और खैरियत से बाबा की जियारत करके जाए, अच्छे से जाए और यहाँ का अच्छा। और अगले साल वापस से आओ इंशाल्लाह, और अगले साल और बांटेंगे पानी और आएंगे। हाँ, इसलिए आप सब लोग भी दुआ करो। शाहनवाज भाई आप हर साल आइए और हमारा वीडियो इसी तरह लीजिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। उसको आप देख सकते हैं कि ये लाइन अंदर से मेन गेट, जो बाहर का मेन गेट है, ये मेन गेट तक का ये लाइन पहुंच चुकी है। बाबा जान का ज्यारत करने के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हैं। माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लंगर आम चल रहा है, काफ़ी हज़ारों के तादाद में लोग यहाँ पे लंगर खा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं सामने। तो माशाल्लाह दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मरियम्मा नगर के भी लोग आए हुए हैं और अभी फाइनली हमें भी लंगर मिल चुका है। तो अभी बैठ के लंगर खाते हैं, फिर आपको मैं आगे वीडियो दिखाऊँगा। माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे जैसे शाम ढल रही है वैसे वैसे लोगों का हुजूम बढ़ती चले जा रही है। और माशाल्लाह काफ़ी लोग ऐसे बाबा जान के आस्थाने पे आके ज़ियारत करके और यहाँ पे लंगर खा रहे हैं। माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हैं ये लाइन बाबा जान का ज़ियारत के लिए, ये पूरा लाइन बहुत लंबी लाइन लगी है, ये आप देख सकते हैं। आप ये जो देख रहे हैं ये एक कंपनी था, रिचर्ड एंड क्रीडास कंपनी, जो कि ये बंद हो चुका है और ये गवर्नमेंट के खाते में अभी है ये कंपनी। तो ये सिर्फ साल में एक बार
बाबा जान के उस मुबारक पे ही खुलता है। इस वजह से ये दरगाह शरीफ में आप सिर्फ साल में एक बार ही ज्यारत कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये रिचर्ड एडिडास कंपनी है, जो कि ये भाईकल्ला में स्थित है, जे हॉस्पिटल के बाजू में ही है। तो बाबा जान का उर्स मुबारक यहाँ पे होता है 26 जनवरी को, और साल में सिर्फ एक बार ही बाबा जान का यह आस्थान मुबारक खुलता है। तो यहाँ पे लोग हज़ारों की भीड़ में लोग आते हैं और बाबा जान का ज्यारत करते हैं। तो आपको मैं बाबा जान का ज्यारत कराया और यहाँ पे और भी यहाँ का माहौल का मैं वीडियो एक्सप्लोर किया। तो यहाँ पे मैं पता किया तो बताते हैं कि इस जगह पे मैं देखा कि गुंबद नहीं है, बाबा जान का आस्थान के ऊपर गुंबद नहीं है। यहाँ पे बाबा जान को मतलब कि गुंबद बाबा जान के आस्थान के ऊपर बाबा जान को गुंबद पसंद नहीं है, इसलिए बाबा जान के आस्थान पे गुंबद नहीं है। तो यहाँ पे एक मजदूर थे जो जिन्होंने कहा कि मैं यहाँ का गुंबद मैं बनाऊँगा और बना के रहूँगा, तो उन्होंने चैलेंज किया और गुंबद बनाने के लिए वो रेडी हुआ। और जब वो रेडी हुआ तो जब वो गुंबद बनाने के लिए ऊपर चढ़ा तो वहाँ से लगभग 20 से 30 फुट उसको उठा के फेंक दिए बाबा जान ने, क्योंकि वो नपाके हालत में थे और बाबा जान को गुंबद पसंद नहीं था। इस वजह से तब से वो बंदा वहाँ पे अपना जो भी सामान, जो भी काम करने का सामान था, वो सारा यहाँ पे फेंक के और यहाँ से भाग गए। दोस्तों, बाबा जान का आस्थान मुबारक साल में एक बार सिर्फ इसलिए खुलता है कि बाबा जान का उर्स 25 जनवरी को होता है, लेकिन यहाँ के कमेटी मेंबर वालों ने सब मिलके मीटिंग किया तो लोगों ने ऐसे कंफर्म किया कि बाबा जान के उर्स मुबारक 26 जनवरी को मनाएंगे। 26 जनवरी को इसलिए मनाएंगे कि 26 जनवरी को यहाँ पे सभी लोगों का छुट्टी होता है, तो सभी लोग आराम से बाबा जान का ज्यारत कर सके। तो इस ब्लॉग वीडियो को मैं यहाँ पे ही एंड करता हूँ और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।